नमस्कार, मैं सुशील स्वामी और आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पर चक्रांतों की चादर पर आधारित सितारे पुलिस के यूट्यूब चैनल। कमांडो की ओर से पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस लाइन के प्राइमरी स्कूल में आतंकी घुसपैठ, फायरिंग व आतंकी माल गिराने का डेमो किया गया। इस दौरान कमांडो ने कुछ ही मिनटों में आतंकियों को ढेर कर दिया। इस दौरान पुलिस लाइन में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट लड़ाई लड़ सके, इसलिए गंगानगर में स्थित स्लीपर सेल को उसने एक्टिव कर दिया है। उसी स्लीपर सेल के 3 से 4 आदमी पुलिस लाइन में स्थित प्राइमरी स्कूल में आर्म्स, एमिनेशन और आईडी के साथ छुपे हुए हैं, ऐसा मुखबिर खास से सूचना मिली है। अंदर 8 कमरे बने हुए हैं जिसमें आगे और पीछे दोनों टीम 4 हिट और 2 स्नाइपर के समूह में काम करेगी। हिट फर्स्ट, हिट सेकंड और रिजर्व चैनल चैनल सेकंड है। किसी को कोई शक? नो सर। वो रावला में भी आ सकती है, पदमपुर में भी आ सकती है। जो अपने ट्रेंड आदमी होंगे, देखो कि पोस्टेड भी होंगे, तो आपकी ट्रेनिंग पुलिस के लिए क्यूआरटी को क्लोज करके यूज करने का काम जब कभी अपने विजिट्स होती है, जब कभी अपन करते हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन हमारी डे टू डे पुलिसिंग में इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग, अपनी चाल ढाल, अपने जो काम करने का तरीका है, वो अंदाज अपना अलग रखना चाहिए। वो नजीर एक तो आप नई टीम इसको तैयार करती है, उसकी ट्रेनिंग ये कराई, ठीक है। दूसरी रेगुलर अभ्यास जो आपकी दौड़ वो जो चल रही है ना, फिजिकल एक्सरसाइज, वो लेंगे। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार हर जिले में क्यूआरटी टीम्स की ट्रेनिंग और उनकी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में गंगानगर में भी हमने क्यूआरटी टीम को प्रशिक्षित कराया। इसमें स्थानीय मिलिट्री, आर्मी,
हमारा इनका कोऑर्डिनेशन है, उनकी वजह से हम इनको ट्रेनिंग करवा पाए। आज इसका प्राथमिक हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ छोटी मोटी कमियाँ हम दूर करके इसको और आगे ले जाने का प्रयास है। कुछ अपडेट करने की जरूरत महसूस हुई? अभी इसको गियर इक्विपमेंट और बाकी सब चीज़ों पर विचार करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करते रहेंगे और इस क्यूआरटी टीम की संख्या को हम और बढ़ाने का सोच रहे हैं। थाना स्तर पर भी कुछ विशेष जो कॉन्स्टेबल्स हैं उनको विशेष ट्रेनिंग देने के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक और क्यूआरटी टीम तैयार करके उसको अलग अलग थानों में जो पदस्थापित लोग उनमें से तैयार की जाए और उन लोगों को इस लेवल पर लाया जाए।